तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी काइन मास्टर यूज़ करते हैं तो बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि वो वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे होते। उनकी जो वीडियो होती है बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो HD क्वालिटी में या नॉर्मल क्वालिटी में या फुल HD में उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो वीडियो होती है काइन मास्टर में वो टिकटॉक की वीडियो या दूसरी वीडियो वो एक्सपोर्ट नहीं होती। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह आप उसको रन एनालिसिस करके अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी मोबाइल की कैपेसिटी कितनी वो भी आप चेक कर सकते हो अपने काइन मास्टर में से। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि उनका जो काइन मास्टर है उसको वो रन एनालिसिस नहीं कर पा रहे होते। तो बहुत से दोस्तों के मुझे कमेंट्स आए हैं कि उन वो रन कहते हैं रन एनालिसिस नहीं हो रहा, मेरा जो काइन मास्टर वो रन नहीं हो रहा, तो हम किस तरह उसको करें। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको यही क्लियर करने वाला हूँ किस तरह आप उसको रन एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देखे, मैंने अपने मोबाइल में अपने काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लिया, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया। अब दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कि जब वो इंस्टॉल करते हैं उसके बाद दोस्तों वो अपने मोबाइल में काइन मास्टर को रन एनालिसिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी जो वीडियो होती है कोई एक्सपोर्ट हो जाती है, कोई एक्सपोर्ट नहीं होती। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ से वीडियो भी एक्सपोर्ट करता हूँ और दोस्तों मैं यहाँ से वीडियो एडिट भी करता हूँ। एडिट करने के बाद दोस्तों, अगर आप इन्हें एडिट करनी है तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का रेजोल्यूशन रख लेंगे, उनकी रेशो रख लेंगे किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने वीडियो बनानी है। तो दोस्तों, उसके बाद आपकी जो वीडियो वो एक्सपोर्ट नहीं होती, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपने काइन मास्टर को रन एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत से दोस्तों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि वो इस काइन मास्टर में रन एनालिसिस को काइन मास्टर को कर नहीं पाते, कि उनको रन एनालिसिस का पता नहीं होता। आपको एक सेटिंग ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आपके पास लेयर की प्रॉब्लम आ रही है, उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो यहाँ से आप अपनी लेयर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अब मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपको ये थर्ड कैपेसिटी वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मेरे पास 1080p, इसके ऊपर मैं वीडियो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मैंने अभी रन एनालिसिस नहीं किया। तो रन एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिल रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे, ये आ जाता है लेयर मोड, हाई रेजोल्यूशन और रन एनालिसिस। रन एनालिसिस के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो काइन मास्टर है वो आपको बता देगा कि आपके मोबाइल की कितनी कैपेसिटी है और आप कितनी वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास रन एनालिसिस आ चुका है। अब दोस्तों, यहाँ से आपको देख सकते हो कि रन एनालिसिस नाउ, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, ये आप सारी लाइन को देख सकते हो कि ये जब तक पूरी होगी, उसके बाद मैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी जो वीडियो होगी अगर रन एनालिसिस कितनी आपकी मोबाइल की कैपेसिटी वो बता देगा, और रन एनालिसिस होने के बाद आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं तो जी फ्रेंड, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।